अब रेज द चैलेंजेस, चैलेंज को कबूल करना, यह हर इंसान का काम है। कभी कभी हमारे घर में सिर्फ एक बाप अर्न करता है, काम करता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी एक सहारा बनने की जरूरत होती है, लेकिन हम शायद चैलेंज को, उस चैलेंज को जल्दी कबूल नहीं करते कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, लेकिन उस चैलेंज के मुताबिक नहीं चल पाते। एक मैं इसमें कहानी बताता हूं, बहुत ही फेमस पर्सन है, पर्सन कौन है वो, अमेरिका के प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट कैसे थे, बहुत ही गरीब थे, इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन का आपने नाम सुना होगा। इब्राहिम लिंकन वो पर्सनैलिटी है जिसने बहुत ही ज्यादा गुरबत में रहकर पढ़ा। जब 9 साल का था उसकी मां की डेथ हो गई, दो बहन भाई थे, उन्होंने कोशिश की मेरी मां की डेथ होगी क्या करूं। बाप एक्चुअली वो किसान था और अपने बाप के साथ भी मेहनत करता था, खेती बाड़ी करना उसके साथ उसे शौक था, स्कूल नहीं जा सकता था, अपने दोस्तों से किताबें मांग कर उसने पढ़ना शुरू किया। अपने दोस्तों से कहता था मेरी मदद करो, मैंने पढ़ना है, मेरे पास किताबें नहीं है, लेकिन उसने जो है हिम्मत नहीं हारी, पढ़ता रहा, करता रहा। फिर उसका बाप जाता था कि वो ना करे, क्योंकि माँ की डेथ हो गई थी और उसकी बहन जो थी 11 साल की थी, वो 9 साल का था, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो उसने उसकी माँ जो आई, जो सुतेली उसकी माँ थी, उसने उसके साथ बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट उसे दी, उसने मौका दिया पढ़ने के लिए, और वो अपनी माँ का बहुत ज्यादा एहसानमंद होता है कि उसने वाकई जो कहा उसके मुताबिक अचीवमेंट हुई और उसने वो काम किया, आगे बढ़ा। फिर उसने लॉयर का काम करना शुरू किया। जब लॉयर बना वो, तो उसने देखा कि लॉयर के लिए ये मुझे पढ़ना है। उसने किसी से किताबें ली, किसी दुकान से, और उसने कहा मुझे पढ़ना है, और वो पढ़ता रहा और वो लॉयर बना। उसके बाद उसे पता चला कि एक जज रिटायर नजदीक ही है, और उसने उस जज के पास गया, एक नदी के पार था, और नदी उसने एक कश्ती बनाई, नदी के पास गया, और उसकी जो कश्ती थी वो टूट गई और वो तैरता हुआ पार चला गया। और इन द एंड ऑफ दैट कि वो जज की बात किया, उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ आपकी जो बुक्स है, जो आपका लिटरेचर है, तो उसने इजाजत दी, वो पढ़ता रहा। इन द एंड जब वो आगे बढ़ा तो उस शख्स ने, इब्राहिम लिंकन ने, 8 दफा अमेरिका के प्रेसिडेंट की उसने इलेक्शन लड़े, हार गया। इन द एंड ऑफ जब नामा किया तो वो वहां अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। एक किसान का बच्चा था, एक गरीब का बच्चा था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। और वो जो था 1860 में वो प्रेसिडेंट बना, उसने बड़ी अचीवमेंट हासिल की। और मैं समझता हूं कि चैलेंज को कबूल करना ये सबसे बड़ी बात है, ये बहादुरी है कि हम उस चैलेंज को समझें, उस चैलेंज को कबूल करें जो हमारी लाइफ में आता है। अगर हमारे लाइफ में हमें कोई भी काम मिले, हमें आगे बढ़ना है चैलेंज को।